अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जेड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, मैंगो का सीजन चल रहा है तो क्यों ना मैंगो से कुछ स्वीट बनाया जाए। बहुत आसान रेसिपी है और कभी अचानक आपका मैंगो स्वीट खाने को दिल चाहे तो फटाफट, अगर आपके पास थोड़े से एक आम हो, आम नहीं भी हो तो मैंगो पल्प हो आपके पास, जैसे वो लेके रख लें, वो भी यूज कर सकते हैं। और कोई से भी कुकी हो, मेरे पास ये ग्राम क्रैकर्स थे तो मैं वो यूज कर रही हूँ। आप डाइजेस्टिव कुकीज और जो भी आपके फेवरेट हैं वो यूज कर सकते हैं। तो चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो ग्राम क्रैकर्स लिए हैं, ये मेरे पास 9 है। आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं अपने जिस टाइप के कुकीज आपने लिए हैं। आप इन्हें ब्लेंडर में, चॉपर में या फिर जिप लॉक में भी क्रश कर सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है आपके पास ये। और इसके साथ ही मैं इसमें मेल्टेड बटर है जो मेरे पास अनसॉल्टेड है, और इसको मैं 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी। इतना चाहिए कि वो थोड़ा सा जमा हुआ लगे। 2 और ये 3, मुझे लग रहा है तीसरा भी चाहिए। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देखें कि अभी भी ये ड्राई लग रहे हैं, ये थोड़े से वेट टाइप के फील होने चाहिए। तो मैं इसमें ऑल टुगेदर 5 टेबलस्पून इसमें बटर गया। तो ये देखें, अब आपको इस तरह जब आप प्रेस कर रहे हैं तो ये जुड़ जाते हैं। इनको आप निकालें किसी भी बोल में। और बटर और कुकीज की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल जा रहा है ऐसे ही खाने। अब हमने लेना है बोल। बोल में डाल रही हूँ मैं 35% व्हिपिंग क्रीम, जो कि ये है 473 ml। इसको आपने बीट करना है जब तक ये स्टिफ टिक हो जाए। सो ये देखें कि बिल्कुल स्टिफ टिक हो गई है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट डिपेंड और टेम्परेचर जो आपके घर का होगा उससे होगी ये। अब इसकी हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिप लॉक लें और उसको डाल के इसी तरह ग्लास में और कॉर्नर से काट लें। तो इतना कोई जरूरी भी नहीं है कि पाइपिंग, मेरे पास है तो मैं यूज कर रही हूँ। बस आप इसे स्कूप करें और इसमें डालें। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उसको पकड़ना जो करना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। छीलेंगे, उसको डाइस करेंगे। मैं जब तक इसको फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि आपने इसको ज़ाहिर है रूम टेम्परेचर पे नहीं करना है, थिक ही और ठंडा ही रखना है। तो मैं इसमें फ्रिज में रख रही हूँ। क्या करेंगे, मैंगो को पील। और आपको बताया, आजकल तो बड़े फैंसी फैंसी तरीकों से मैंगो को काटा जाता है। मैं इतने उससे फैंसी तरीके से तो नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ। चलें, आप इसको इस तरह करें, स्लाइस करें और फिर यूं कर देना, यूं यूं, और इस तरह से दिखाते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। अब पता नहीं इस तरह से ये वापस कैसे लाएंगे इसको यहाँ से। देखें, ये करने के बाद मैं सीधा रेगुलर टाइप से ही काट लूंगी। ओह नो, इट्स इजी। तो मुझे तो ये प्रोसीजर बहुत इजी लगा। आपको भी अगर आसान लगता है तो करें, नहीं तो छील लें, डाइस कर लें, किसी भी तरह से छोटे छोटे पीसेस ही करने हैं आपने। ये नहीं सोचे कि ये वेस्ट होगा, ये हमारे घर में वेस्ट नहीं होगा। पापा जैद आएंगे, स्पून लेंगे और इसे खाएंगे। बस इतने बहुत हैं। तो सबसे पहले ग्राम क्रैकर लेंगे। इसको आप ज़्यादा दबाएं नहीं, दबाएं इसलिए नहीं कि आपका जो ये जो सॉस है ना ये इसमें चला जाएगा तो बैठ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1-2 मैंगो के पीस ले लें, ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटा कप है तो ज़्यादा तो जाएंगे नहीं इसमें। इसके ऊपर डालें फ्रेश मैंगो।
चले मैं इसको टॉप अप कर रही हूँ विथ फ्रेश मैंगो और मिंट। आप दोनों भी चीजें इसमें डाल सकते हैं और मैं पर ऐसे कलरफुल के लिए एक पे डाल रही हूँ, एक पे नहीं डाल रही हूँ इस तरह करके, ताकि आपको पता भी रहे कि ये मैंगो का कुछ बनाया है तो अच्छा भी लगेगा। आप डिफरेंट तरह की कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट पसंद है, कलर फ्रूट, कोई सा भी फ्रूट आप ऐसा इसमें यूज कर सकते हैं ताकि आंखों को अच्छा लगे देखने में। होपफुली ये आपको रेसिपी पसंद आएगी, बहुत इजी रेसिपी है एंड ऑनेस्टली मिनटों में तैयार हो जाती है। और मेरा हाथ क्योंकि इतने दिनों बाद कुकिंग शुरू की है, पाइपिंग पे होल्ड नहीं कर रहा था, लेकिन स्लोली स्लोली इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। तो लेफ्ट ओवर ब्रेड क्रम्स जो थे वो बिल्कुल हल्के हल्के से डालें और आप इनकी जगह नट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। फेवरेट टाइम अब आ गया है जी, आपका फेवरेट टाइम। अंदर तक जाएं ताकि सब चीजें आ जाएं। So good. Okay. इतना मजेदार बना है और आप देखें कितनी आसान रेसिपी थी, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो गई। मैंगो सीजन है, इस तरह की डिफरेंट चीजें फैमिली के साथ शेयर करें, बनाएं और मुझे कमेंट करें कि मैंगो की कौन सी नेक्स्ट रेसिपी बनाऊं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।